ये आंगनवाड़ी हो गई है 50 60 70 साल हो गया, पर यहाँ बच्चे लोग आते पढ़ने के लिए तो उनको जगह नहीं है बैठने के लिए, उठने के लिए, पढ़ने के लिए। 20 सालों से आंगनवाड़ी संचालित है, लेकिन सरकार इस आंगनवाड़ी भवन पर नहीं ध्यान दे रहा है, जबकि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बाल विकास का पहला सीढ़ी आंगनवाड़ी से होता है, और आगे जाके बच्चों का भविष्य क्या होगा? सरकार हमारे लिए आंगनवाड़ी बना रही है। इतने से जगह में मैं ज़्यादा हितग्राही आएंगे तो मैं कहाँ बैठा लूँगी उनको? मेरे केंद्र में अभी 0 से 6 वर्ष के 45 बच्चे, मैं सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी क्या करूँगी? अब पढ़ाऊंगी तो क्या करूँगी? ऐसे छोटे छोटे वो पुस्तक है, उन्हीं से मैं उनसे बुलवाती हूँ, बताती हूँ उनको, चित्र चार्ट है जो भी। बहुत महिला आ जाती है, अभी गर्भवती धात्री है, 10 महिला हैं, ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, खड़े खड़े दलिया लेके चले जाते हैं, बैठते नहीं। हाँ, प्रस्ताव भेजे थे, अब सरकार से तो कोई वो नहीं हुई है, बनेगा बोल रहे, तो कब तक बनेगा? मेरे को तो जल्द से जल्द होना चाहिए भवन आंगनवाड़ी। यहाँ पे बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और रूम भी छोटा सा है, तो हमको खरे खरे वापस होके जाना पड़ता है। आंगनवाड़ी भवन चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, बच्चों को भी दिक्कत होती है, बच्चे भी बहुत आते हैं और सबको परेशानी होती है उठने बैठने में। छोटा सा रूम है, वो भी किराया का रूम है। में एक बैठक आयोजन किया और सरपंच साहब से इस समस्या से अवगत किया है। अवगत करने के बाद में सरपंच ने आश्वासन दिया है कि आंगनवाड़ी भवन बना दिया जाएगा। समस्या का समाधान हेतु स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप भी संपर्क करें। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया नेट के लिए।